छींकते वक्त आवाज़ धीमी करने और मुंह ढांप लेने का बयान। हदीसे मुबारका। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जब छींक आती थी तो अपने हाथ से या अपने कपड़े से मुंह ढांप लेते और अपनी आवाज़ को धीमी करते। सुभान अल्लाह। इस हदीस से मालूम हुआ कि छींक आते वक्त दूसरों का ख्याल रखा जाए, ऐसा ना हो कि नाक से निकले हुए ज़र्रात दूसरों पर पड़ें, इसलिए हाथ या कपड़ा मुंह पर रख लेना चाहिए। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम ने तहज़ीब और शाइस्तगी के साथ साथ नज़ाफ़त पर भी ज़ोर दिया है।